बिल्कुल, मेरा नाम है सिंचन जोहर और मुझे बहुत मजा आया। और अब मैं इसके बारे में अपने दोस्तों को बताऊंगा, वो एकदम जल बन जाएंगे और मैं उनके ऊपर मुट्ठा सेक लूंगा। देन आई हर्ड फोर फाइव वॉइसेस टुगेदर ऑलमोस्ट, कि हाय हाय व्हेन आई वाज टोल्ड आई विल बी डूइंग शिनचैन वॉइस और इसका ऑडिशन देना है, माय फर्स्ट रिएक्शन वाज आई डिडंट नो शिनचैन, आई हैड नेवर सीन शिनचैन। वैसे ये टाइप कौन सा स्टूडियो जा रहा है ना, आप सबको चॉकलेट मिल्क ऑफर हो रहा है, प्लीज गिव मी द एड्रेस। सो ही वाज लाइक, यू नो आकांक्षा, योर वॉइस इज नॉट फिट फॉर रेडियो, लेट्स एंड इट विद अ स्माइल। एंड ही डिड नॉट सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वॉइस ओवर पर चर्चा। इन दिस वेरी स्पेशल एपिसोड वी हैव अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, अ वॉइस आर्टिस्ट, अ स्टैंड अप कॉमेडियन, अ राइटर, एन इन्फ्लुएंसर विद मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब एंड लैक्स फॉर फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ऑफिशियल हिंदी वॉइस ऑफ शिनचैन, एंड द लिस्ट इज टू बिग। सो टू माई व्यूअर्स, टू माई सब्सक्राइबर्स, टू माई लिसनर्स, इट्स अ ग्रेट ऑनर, इट्स अ प्राइड, इट्स अ प्रिविलेज टू हैव द वन एंड ओनली आकांक्षा शर्मा ऑन वॉइस ओवर पर चर्चा। सो आकांक्षा जी, आपका बहुत 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 स्वागत है वॉइस ओवर पर चर्चा में। थैंक यू सो मच। मेरे को लग रहा था कुछ एक भारत भूषण ऐसे कुछ, आप मुझे वो वाला खिताब या ऐसा कोई अवार्ड देने वाले हो। अनाउंसमेंट तो आपने सर बिल्कुल वैसे दे दी मेरे को। थैंक यू फॉर दैट सीन, यू नो आई विल ट्राई टू गिव मोदी जी अ चांस टू गिव मी दैट टू, बट इट्स ओके द रियल वन, बट इट जस्ट साउंडेड लाइक दैट अनाउंसमेंट। बिल्कुल, एक दिन ऐसा ही होगा। Just kidding. Okay, so first of all, before we start off, heartiest congratulations for reaching 1 million subscribers on YouTube. इसके लिए थैंक बहुत बहुत यू बधाई आपको। And थैंक यू। so, you know, starting off with this particular aspect, कि if we specifically talk about voicing, dubbing हो गया, voice over हो गया, इसमें आपकी शुरुआत कैसे हुई, वो कहानी हम सबसे पहले जानना चाहेंगे। सो लाइक दिस इज ऑलमोस्ट 8 to 9 years, और मेरे को लग रहा है मैं हर जगह 8 to 9 years बोलते बोलते एक और साल जुड़ गया होगा, 10 साल हो गए होंगे आई गेस इस जर्नी को। मेरा वॉइस ओवर जो जर्नी है, इट स्टार्टेड फ्रॉम रेडियो, फ्रॉम देयर आई वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वॉइस ओवर। वॉइस ओवर, ओके। या एंड द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट कि ओ माय गॉड, ये स्टूडियो तो शेडी प्लेस है। सब इतना लाइक इतना, एक तो स्पेशली इट्स इन बेसमेंट एंड एवरीथिंग, लाइक ओके। So my first experience was behind the mic actually, okay, and it was fun because जो सर थे जो मेरा ऑडिशन लेने वाले थे, उन्होंने कहा है अभी एक आर्टिस्ट है तो उनके बाद आप जाओगे। I was like okay, then I heard four five voices together almost कि hi hi, it was like mix of many things, okay, running and everything. सो आई वाज लाइक कि अरे इतने सारे आर्टिस्ट इकट्ठा गए हैं यार अंदर स्टूडियो में, एंड देन गेट खुलता है और कौन निकलता है, एक इंसान। आई वाज लाइक ओह एक ही दिस इंसान, थिंग सॉरी, हैपेंड, वन पर्सन डूइंग मेनी वॉइसेस। आई वाज लाइक हां ये करना है, एंड देन आई वेंट इनसाइड, आई गेव माय ऑडिशन, एंड वहां पे जैसे कहते हैं ना राइट टाइम राइट प्लेस, तो वहां पे योगेश सर आए हुए थे, ही वाज डूइंग Shinchan and Doraemon's dubbing that time. Okay. So they were looking for Shinchan's voice, the new Shinchan's voice. Yes, 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 yes. So yeah, then उन्होंने कहा इस लड़की की हरकतें लग रही हैं, ये कर सकती है. So that's how it all started. Of course, मतलब जैसे एक हिसाब से आजकल तो जैसे इंडिया में स्पेसिफिकली यूट्यूब गूगल पे हम सर्च करते हैं तो ऑफ कोर्स सर्च रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं आपका ही नाम आता है, क्योंकि शिनचैन से आपका स्पेसिफिकली वो नाम जुड़ गया है एक हिसाब से। सो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ दैट व्हेन आई बिकेम द वॉइस दैट सोशल मीडिया वाज वेरी मच लाइक न्यू एंड आल्सो इन ट्रेंड। सो मतलब ऑलमोस्ट होता है हर कैरेक्टर की पहले इनिशियली बहुत डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस होती हैं, and I just got the most out of it. I got the love and the you know I was the face of Shinchan jo ekdam jo social media YouTube par aaya, but I always mention others also kyunki main humble artist hai, main humble artist hai. Nahi but mere ko yaad rakho, ho gaya bahut humble ho gaya bas enough. So anyways, one thing if I could know, jo aapne samay ki baat ki,
स्पेसिफिक द रेडियो स्टेशन एंड द स्टूडियो, अगर वहां जहां पे आपने विजिट किया था दिल्ली में, वो आप थोड़ा बहुत उसके बारे में बता सकते हैं, व्हेन दिस एक्चुअली स्टोरी स्टार्टेड, शिनचैन एंड ऑल? ओके, देन दैट वाज नॉट अ शेडी स्टूडियो बाय द वे, इट वाज अ वेरी बिग स्टूडियो. स्टूडियो ओके. आई एंटर्ड द यूटीवी मूवीज स्टूडियो, जिसमें डिज्नी की भी होती है वो सब, मतलब नैट जियो. सो आई वाज, आई एंटर्ड एंड आई सॉ सारे जो पोस्टर्स जो जो उन्होंने यू नो डब किया है. सो आई वाज सीइंग बिग फिल्म्स. हाँ, इसकी हिंदी डबिंग मैंने देखी है, हाँ इसकी डबिंग देखी है मैंने. एंड देन आई सैट एंड देन आई वाज लाइक आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ द माइक बिकॉज़ आई हैड बीन अ रेडियो जॉकी. तो उतना तो नहीं था, रेडियो जॉकी इज अ और थोड़ा सा. व्हिच रेडियो स्टेशन, सॉरी टू इंटरप्ट, व्हिच रेडियो स्टेशन? रेडियो मिर्ची, 98.3. ओके, नाइस नाइस नाइस. या सो एक्चुअली जस्ट टू यू नो ऐड ऑन टू माय लॉरेल्स, मतलब आई नो तो आरजे हंट हुआ था 2013 में. सो देयर वर लाइक ऑलमोस्ट 20,000 एंट्रीज एंड एवरीथिंग. सो आई वन दैट आरजे हंट. सो आई वन अ 6 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट विद रेडियो मिर्ची टू वर्क विद देम एज एन आरजे. सो दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्टेड. फिर उसके बाद ऑब्वियसली आई डिडंट वांट टू, like I didn't wanna, they didn't wanna, we both didn't wanna continue with each other. it's complicated relationship. So with my boss, mera boss bhi bada popular banda hai ab. Wo main lekin on record nahi bata. On record nahi bol sakte. Main wahi ko soch raha tha. Okay, okay. नहीं मैं बोल दूंगी, पर सही टाइम आने पे, सही टाइम आने पे वो नहीं होता. सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. लेकिन मुझे लगा ही था उनमें बॉस की क्वालिटीज नहीं थी, वो एक यूट्यूबर बन चुके हैं. अच्छा, या ही इज काइंड ऑफ अ देशभक्त, सो इफ यू कैन गेस द नेम, आई डोंट नो. अभी मैं सोच रहा हूं, बट वही है कि जब आप रिवील करने वाले हो तो फिर आई डोंट वांट टू ब्रेक द सस्पेंस. तो मैं कुछ सोच तो पा रहा हूं, मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ इमेजिनेशन तो चल रही है. बट या लेट्स, इट्स ओके, मतलब बट अच्छी बात है. ही एक्चुअली सेड दिस, आई रिमेंबर माय लास्ट डे एट वर्क. सो ही वाज लाइक, यू नो आकांक्षा, योर वॉइस इज नॉट फिट फॉर रेडियो. Let's end it with a smile. Okay. And he did not smile. Okay. But after like, that, you know, ये होता है ना कि कोई ना कोई जो एक कहता है ना, जैसे if I use the right word, तजुर्बा जो होता है आपका रेडियो के साथ, एक्सपीरियंस रहा उसके बाद, of course, as you told कि UTV के साथ आपका जुड़ना और शिनचैन के लिए आपकी आवाज अप्रूव होना, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस काम आते हैं, मे बी गुड एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस. You are supposed to. Yeah. You're supposed to have a bad, मतलब you're supposed to hear no in a lot of places so that जो सही जगह पर आपको हाँ सुनना होता है ना, हाँ. वो वाली बात हो जाती है. तो आई एम एक्चुअली वेरी थैंकफुल टू हिम, क्योंकि रेडियो में जितने भी लोग काम करते हैं, दे हैव ऑल टर्न्ड आउट टू बी इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स. एंड तो इट्स अबाउट मेकिंग योर ओन आइडेंटिटी. सो आई गॉट अ चांस एट अ वेरी अर्ली एज, एंड एक बहुत ही जल्दी, लाइक विद इन 6 मंथ्स आई गॉट दिस क्लोजर फ्रॉम रेडियो इंडस्ट्री. वरना तो वहां पे बहुत, वहां पे भी ना वैसे गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह बहुत कंप्लेसेंट हो जाते हैं लोग एकदम कि या ठीक है सैलरी, बट अ फ्रीलांसर्स लाइफ इज फन टू हैव यार. सो ठीक है, मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया, एंड देन एक्चुअली व्हेन आई वाज टोल्ड आई विल बी डूइंग शिनचैन वॉइस और इसका ऑडिशन देना है, माय फर्स्ट रिएक्शन वाज आई डिडंट नो शिनचैन, आई हैड नेवर सीन शिनचैन. तो एक तो वो जो सर थे वो मुझे जज कर रहे थे, क्योंकि कह रहे कि इतनी पॉपुलर सीरीज है तुम नहीं देखती, लाइक नहीं देखती. तो फिर उसके बाद ही गेव मी सम सीरीज, ये एपिसोड्स हैं इनको सुनो, बार बार सुनो, एंड ट्राई टू मॉड्यूलेट योर वॉइस. As in, okay, so that, like the Hindi version of it, तो आप उसको पूरा देख सकते हो, and उसके फिर dubbing, lip sync वगैरह के लिए, expression के लिए आप उसको मतलब correlate करके आपने उसको फिर implement किया. Observation. हाँ, mainly the voice only, and it took me almost 2 months because मैंने कभी modulate करी नहीं. Okay. मुझे पता ही नहीं है कि you can modulate or not. कभी ऐसी मतलब मैंने कभी try ही नहीं किया था modulation. So when I was in radio, so I used to also assist Naved ji, okay. RJ Naved. Yes, so yes. He used to modulate his voice. Auntie ban jate hai, chacha ban jate hai, papa ban jate hai, everything. I was like, wow. But maine, it's like until and unless aap try nahi karo, aapko nahi pata ki aap kar sakte ho ya nahi kar sakte ho. And sabse first idea yehi aata hai ki aap nahi kar sakte ho, hai na?
तो फिर इट टुक मी 2 मंथ्स, तो मैं हर 10 दिन 20 दिन में मैं सर को फोन करके शिनचान की वॉइस सुनाती थी, लाइक 10 साल का शिनचान लग रहा है. अब ना 5 साल का शिनचान लड़की लग रहा है, इसको लड़का बनाओ. देन 2 महीने की मेहनत के बाद फाइनली वो 5 साल का शिनचान, 5 साल का शिनचान तैयार हो गया, तैयार हो गया वो. सही सही सही. ये आवाज जो है ना, एग्जैक्टली व्हाट आई कैन कोरिलेट, कि ये इस तरह की चीज होती है ना, कि ये जैसे खोद के निकालना होता है, आपके अंदर वो चीज होती है कहीं ना कहीं, और वो बट इट ऑल डिपेंड्स. या करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो नो एंड द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट यू नो स्पेसिफिकली यू नो योर पर्टिकुलर प्रोफाइल, योर जर्नी, कि आपने इसको सिर्फ अपनी चीज के वॉइसिंग में यूज किया, वॉइसिंग अपने जो भी करी, बट इसका आपने जो एक कॉमिक टच दिया है ना इसमें, मैंने जैसे आई वॉज रिकलेक्टिंग डोमिनोज पिज्जा वाला जो आपका वीडियो था भयानक था, और भी ऐसे कई जैसे गानों के स्पूफ हो गए एंड ऑल. सो ये बहुत अच्छी चीज है कि आपने इसको एक उसमें ह्यूमर भी ऐड कर दिया. ऑफकोर्स यू बींग अ स्टैंड अप कॉमेडियन, उसमें आपने वॉइसिंग में भी एक यू नो दो चीजों का एक कॉम्बिनेशन बन गया. अच्छी चीज है, मजेदार. एक तो ना पता है मेरा वही राइटिंग से बहुत रिलेशन है. आई लव राइटिंग. मैंने बहुत सारे शिनचान के एपिसोड्स लिखे हैं, क्योंकि आपको शिनचान के एपिसोड्स में कहानियां बहुत डिफरेंट बनानी पड़ जाती थी. यस. तो यू नो एज अ वॉइस आर्टिस्ट, आपने भी बहुत बार ऑन टेबल ऑन पेपर विद द हेल्प ऑफ योर डायरेक्टर्स आपने कहानी बनाई होगी, आपने डायलॉग बनाया होगा, क्योंकि एज इट इज ट्रांसलेशन तो आप लोगे तो दैट्स नॉट एज फनी एज द ओरिजिनल वन ना. कितना भी हो जापानीज लैंग्वेज में जो फनी है जोक, वो सेम अगर आप हिंदी लैंग्वेज में करोगे वो फनी नहीं रहेगा. वो तो वो एक लैंग्वेज वाली बात हो जाती है. तो आई यूज्ड टू मेक स्टोरीज देयर ओनली देन एंड देयर. मैं सर का भी वेट नहीं करती थी, सर ऐसा कर दे, सर ऐसा कर दे. तो एंड ऑल्सो बहुत पहले जब शिनचान डब होता था तो हिंदी गाने डब गाता था वो. तो तब क्या हुआ था, देन उसके ऊपर हो गया था केस अबाउट कॉपीराइट, लाइक यू कैन नॉट यूज हिंदी सॉन्ग्स, है ना, उसकी पॉपुलैरिटी. तो फिर उसके बाद आई वाज लाइक वंस लाइक ठीक है वहां नहीं यूज कर सकते ना, ये तो बोला ही नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं कर सकते एंड एवरीथिंग. तो मैंने इंस्टाग्राम पे आई ट्राई टू डू समथिंग एंड आई जस्ट लव सिंगिंग इन शिनचान वॉइस, बड़ा ही मजा आता है. एंड आई फील लाइक आई डू like good in that, मतलब सुर मेरे को लगता है कि एकदम से मेरे अंदर आ जाते हैं. अभी वो गुजराती गाना आया था ना, भी नवरात्रि में पॉपुलर हुआ था, उसका भी तो आपने किया था. हां गोती लोग, हां हां ओफ आई लव्ड इट. पर उसका प्रोनंसिएशन, बिकॉज़ सी वी आर वॉइस आर्टिस्ट्स, तो हमें थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम प्रोनंसिएशन सही करें. तो मैंने 10,000 बार हाद नो प्रवासी गोती लो है क्या है, अब अभी तो धजामा 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 धजामा. तो मैं बहुत ध्यान से कर, अच्छा आप गुजराती. अरे नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हम दिल्ली वाले हैं, अभी दिल्ली से यहाँ पे आ गए. अच्छा तो यस, हाँ मैंने देखा वो इसमें प्रोनंसिएशन वगैरह, ऑफ कोर्स एज अ वॉइस आर्टिस्ट काफी हमें ख्याल, मतलब उच्चारण प्रोनंसिएशन ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. भले आप स्पूफ क्यों ना बनाओ, बट कहीं ना कहीं वो वॉइस आर्टिस्ट वाला फैक्टर रह जाता है वहां पे, कि हाँ इसकी जो प्रोनंसिएशन है वो परफेक्ट होनी चाहिए. तो मतलब आपने कितनी बहुत बार सुना, पहाड़ी गाना भी किया हुआ है, गुजराती भी कर लिया, पंजाबी भी कर लिया, एंड आई थिंक हिंदी तो कर ही लिया है, एंड एक आई थिंक एक और लैंग्वेज मैंने करी है, मतलब हाँ मराठी. मराठी की हुई है, मराठी वाला. ऑलमोस्ट मैं 5 languages में शिनचान के गाने गा चुकी हूँ, जस्ट वेटिंग फॉर सम डायरेक्टर टू प्रोड्यूसर टू कॉल मी फॉर द रियल प्लेबैक. आपके साथ जो हुआ लाइक एक अच्छा एक्सपीरियंस बाय द वे, तो उसने आपको अलग अलग चीजें सिखाई, मॉड्यूलेशन हो गया, गाना हो गया, सिंगिंग जैसे आपने बनाया भी. ऑब्वियसली नॉट टेकन एनी ट्रेनिंग, जो भी सीखा है ऑन द जॉब सीखा है, ऑन द जॉब as a voice artist, आप देखो अपना होमवर्क कर सकते हो, लैंग्वेज एंड एवरीथिंग, ऑब्वियसली हिंदी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस, बट आई ऑलवेज वो नहीं कहते कि I'm a director's actor. फिर मैं जो एक्चुअली देखो हर एक स्टूडियो, आपको भी पता है एक स्टूडियो में कुछ ब्रीफ मिलता है सेम चीज को लेकर कि आपने कुछ किया हो, बट व्हाट द क्लाइंट वांट्स उसका ब्रीफ उस हिसाब से चेंज होता रहता है.
तो आई ऑलवेज लिसन टू जो मुझे डब कर रहे हैं, जो साउंड इंजीनियर सर मुझे डब कर रहे हैं, तो मैं उनसे पहले समझती हूँ. एंड जैसे कि एक तो अपना अंडरस्टैंड करके खुद टेक दे दिया, प्लस क्योंकि मैं ज्यादातर कैरेक्टर वॉइसेस ही करती हूँ, तो उसमें वो कैरेक्टर कैसा है वो तो मुझे वैसे ही दिख जाता है. तो देखो, और ऊपर से आई थिंक एक इंडियन फैमिलीज में मैं तो बहुत नौटंकी बच्चा रही हूँ हमेशा से. एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट यू, आपके चेहरे पे ऐसा लग रहा है आप शांत और सुशील हो, बट हो नहीं, आई थिंक बिल्कुल नहीं हो. हाँ या तो वही होता है. तो मेरे अंदर वो नाटक नौटंकी का एक फ्लेवर हमेशा से था, तो तभी मुझे लाइक वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स करने में फिर मजा आता है. तो लाइक लर्निंग इट्स आई फील आई डू इट एज अ कि मैं आज मैं ये कैरेक्टर बन रही हूँ, आज मैं ये कैरेक्टर कर रही हूँ. So work doesn't feel like work. Of course, passion, profession. Until and unless मैं कोई अगर मैं audio book कर रही हूँ तो मेरे दिमाग की दही हो जाती है. वो वहीं पे वो actually ना हाँ of course घंटों की recording होती है, और मतलब कितने अलग ही चीज़ है, story telling है, वो एक अलग ही genre हो गया. Right. मैं सिर्फ दिमाग में सोचती हूँ end में check मिलेगा, end में check मिलेगा. वहाँ वही चल रहा होता है. कर लो, पढ़ लो. पढ़ लो बस. करेक्ट. सो एनी अदर कैरेक्टर्स यू वुड लाइक टू शेयर हियर जो आपने करे हैं अभी, जो आप मतलब ऑफ कोर्स आप शेयर कर सकते हो ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्टल? सी, शिनचान में ही बोचान किया था, एंड देन आई गॉट टू डू नोबिता फॉर वन सीजन. या फॉर वन सीजन आई गिव नोबिता द वॉइस. एंड ऑब्वियसली शिनचान डोरेमोन की मूवीज आती थी, तो यूज्ड टू डू सम इंसिडेंटल्स. अदर देन दैट, चूचू टीवी आपने देखा है? Yes, YouTube. तो चूचू टीवी में भी एक शैतान बच्चा ही है, पता नहीं मेरे तो किस्मत में ही शैतान निकम्मे बच्चे हैं. हाँ, तो there's कसली in that. तो जो कुछ गलत करता है फिर उसके ऊपर होते, कसली ऐसा नहीं करते, लाइक ऑब्वियसली कसली मैं करती तो कुछ गलत ही कर रहा है. तो कसली मॉम एंड अ लॉट ऑफ स्टोरी टेलिंग आई हैव डन चूचू में ही. एंड देयर्स बेबी बस, देयर्स दिस किड्स फुल वर्ल्ड चूचू टीवी बेबी बस. सो कैरेक्टर्स इन दैट ऑल्सो. सो क्रंची रोल में, अगर आप यू नो दैट क्रंची रोल इज अ न्यू प्लेटफॉर्म न्यू एनिमेशन, एंड सो आई हैव गिवन द वॉइस ऑफ मरीन किटागावा इन इट. शी इज अ टीनेज गर्ल, शी इज वेरी क्यूट, एंड इट्स क्वाइट अ टीनेज लव स्टोरी. एंड एक है कुकूज, कपल ऑफ कुकूज, इट्स अ लव ट्रायंगल. सो आई एम काइंड ऑफ टीना इन इट, इन दैट लव ट्रायंगल. जो कुछ कुछ होता है कि टीना थी तो हीरो से गावा. या एंड आई हैव आल्सो डन डेमन स्लेयर, पर आई विल नॉट टेल द कैरेक्टर्स. Well, that's fine. अभी आपने कोई Instagram में वो शेयर किया था, मैं I forgot the name, latest कोई maybe some movie or web series. It happens only in India, yeah. Yes. It's a series, it's a Nat Geo series, it's a travel series, and इसका first edition में host Shehnaz थी, Shehnaz Treasury. So I was the Hindi voice for her also, and the latest one was hosted by Dolly Singh. I was the Hindi voice of Dolly Singh also. Other than this, in starting, I got this chance of, you know, dub Miss World's answer, Manushi Chillers. Yes. The award-winning answer, and that Didi ka full interview. Jo seriously, main Miss World banke. Itna us time bhi mujhe aise apne andar ko matlab ekdam aisa shant. उसमें मतलब ना फ्रॉम द एक है ना, यहाँ भी तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जैसे यू इनटू किड्स वॉइस एंड कैरेक्टर वॉइसेस, वहां से बिल्कुल ऐसा एक शांत सी पर्सनालिटी. नो मिस इंडिया एक मिस यूनिवर्स एक अलग ही तरह का वो होता है, जो आंसर देने का, बात करने का जो तरीका होता है. सो एनीवेज अनदर फैक्टर, ये वैसे हर वॉइस आर्टिस्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, टेकिंग केयर ऑफ योर वोकल हेल्थ, बिकॉज आपके केस में तो बहुत सारी वर्सिटैलिटी जो देखने को मिलती है, तो वो आप क्या, एनी डू यू फॉलो एनी प्रिकॉशंस फॉर दैट, या फिर ऑफ कोर्स ख्याल तो रखना पड़ता होगा. मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, देखो मैं जो करती हूँ उससे सीखना चाहिए लोगों को कि क्या नहीं करना. आई काइंड ऑफ ठीक है, तो मैं ये बहुत करती हूँ. मैं गला बहुत ऐसा साफ करती रहती हूँ. Okay. तो ये कभी नहीं करना चाहिए. सो दिस इज द रीजन व्हाई आई गेट स्कोल्डेड बहुत सारी, मतलब एवरी टाइम आई डू कहते हैं आई एंटर अ स्टूडियो, पता नहीं दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माय माइंड,
आई डोंट नो, इट्स लाइक पता नहीं, एक मन में ही रहता है कि गला साफ नहीं होगा, मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ. कर लेते हो? यस. तो उसका एक्चुअली मुझे सर जो भी रिकॉर्ड करते हैं उन्होंने बोला है कि इससे ना आप फालतू अपनी वोकल कॉर्ड्स को एक्स्ट्रा ब्रश कर रहे हो, लाइक यू डोंट, यू नॉट सपोज टू. एंड जस्ट टू नॉट टू हैव दिस, आई हैव अ लॉट ऑफ वाटर, सो यू नो, हाँ, हैव फूड सही टाइम पे, हैव खाना सही टाइम पे, हैव स्लीप सही टाइम पे, आई थिंक योर वॉइस विल बी ओके. एंड हाँ, एंड ऑल्सो यू हैव टू बी इन अ गुड मूड टू बी इन अ गुड वॉइस का यू नो जोन. आई काइंड ऑफ फॉलो ऑल ऑफ दैट, आई डोंट डू गार्गल्स और गरारे वरारे नहीं करती मैं पर ये ध्यान रखती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा नींबू नहीं, पता नहीं नींबू मेरे को बहुत इफेक्ट कर जाता है एकदम से गले में. वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, राइट? जैसे कुछ लोगों का गला साफ करने के लिए नींबू और वो शहद वगैरह मिक्स करते हैं, कुछ, अच्छा, कुछ लोगों को शहद बहुत गर्म पड़ता है. तो आई थिंक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर उस हिसाब से अलग होता है. या तो आई गेस दैट डजंट सूट मी, अचार भी मुझे उतने ज्यादा सूट नहीं करते. इट्स लाइक वही है कि मेरी वॉइस इन चीजों से थोड़ा सेंसिटिव है. बाकी आई ट्राई टू हैव रूम टेम्परेचर वाटर ओनली, मतलब मैं वो ठंडा पानी फ्रिज का तो मुझे बहुत टाइम हो गया मैंने नहीं पिया. हाँ, वो तो अवॉइड ही करना पड़ता है, राइट राइट राइट. वो तो ठंडा पानी हो गया, और आई कैन से डेयरी प्रोडक्ट्स बिफोर द रिकॉर्डिंग, ये भी शायद, मुझे लगता मैं शायद मुझे काम छीन लो, मुझे चाय बची. नहीं नहीं चाय नहीं, स्पेसिफिकली मिल्क, मिल्क अगर चॉकलेट मिल्क हो गया, वैसे टाइप, वैसे टाइप, वैसे टाइप. कौन सा स्टूडियो जा रहा है आप, आपको चॉकलेट मिल्क ऑफर हो रहा है, प्लीज गिव मी द एड्रेस. नहीं नहीं जैसे मैं जैसे उस हिसाब से कह रहा हूँ, जैसे मेरा तो घर का होम रिकॉर्डिंग होता है, तो मैं भी जैसे रिकॉर्डिंग करने से पहले ये थोड़ा अवॉइड करता हूँ कि थोड़ा आवाज साफ निकले उसकी वजह से. सो एनीवेज, बाकी तो दिस पर्टिकुलर एपिसोड, आई मीन आई एम कंट्रोलिंग माय सेल्फ, पता है क्या ये, क्योंकि दिस पर्टिकुलर एपिसोड, दिस पर्टिकुलर सीरीज इज अबाउट वॉइसिंग, वरना तो आपके वो पुरानी दिल्ली सरोजिनी नगर के किस्से आप जो बताते हैं कॉमेडी में, जबरदस्त, सीरियसली. वो मेरी कॉमेडी वीडियो के लिए वेट कर लो बिकॉज एज अ कॉमिक ना, जैसे कि अ सिंगर कैन यू नो सिंग हिज और हर सॉन्ग जितने भी टाइम एंड द ऑडियंस विल बी वेरी हैप्पी टू हियर. यस, ट्रू. अ स्टोरी टेलर वुड डू द सेम थिंग, स्टोरी सुनाएंगे एंड पीपल विल बी हैप्पी टू हियर एज मेनी टाइम्स एज दे हियर दैट स्टोरी. बट द प्लस एंड द माइनस ऑफ अ जोक कि उसकी जो लाइफ है बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत शॉर्ट होती है. यस, तो मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे अदर देन मेरा एक्चुअल जो स्टैंड अप की वीडियो जब रिलीज होगी, जो मैंने ऑफिशियली उतनी अपने चैनल पे की नहीं है, जब मैं गुड नाइट इंडिया गई थी, सोनी टीवी पे गई थी, मैंने तब किया था, तो मैंने तब वो चीज रिकॉर्ड करके डालना फॉर अ कॉमिक टू हैव देयर जोक्स रिकॉर्डेड एंड पुट आउट देयर, तो ऐसा हो जाता है कि हम वो जोक्स पे रिपीट नहीं करते, नहीं कर सकते. हाँ, and until and unless वो बहुत ज़्यादा audience के पास नहीं पहुँचा हो, then we can still alter it and use it. Yes. तो वही बात है, वो originality और वो one time वाली बात हो जाती है. Correct, correct. तो मैं आपके साथ open mic कर लूँगी, जैसे कभी आपका number आ गया ना, तो मैंने कुछ नया joke लिखा है ना, तो मुझे कई बार वो करना होता है कि हाँ मैंने funny लिखा है ना, फिर मैं audience के सामने बेइज्जती कराऊँ या पहले मैं phone पे अपने दोस्तों के सामने बेइज्जती करा लेती हूँ. तो it's a hit and trial because you are your writing original and everything. Okay, anyways, when it comes to writing, मतलब of course हम एक अलग direction में अभी बात कर रहे हैं, just a small glimpse of it. मतलब ये एक आजकल topic है, मैं it's not just because of the trend and all. कभी आपको ऐसा लगा, आपने कभी use किया है AI वगैरह, कभी आपको ऐसा लगा कि ideas मिलते हैं, creative ideas, never, right? ये चीज तो मतलब मिलते होंगे, but I hate technology. I really am not in favor of too much technology. Haan. I'm like, and I just saw this video. Everyone was like, "Yare, AI aa jayega, voiceovers, voice artist ka to career hi khatam, this and that." I've heard this. I don't know why people were talking about ki, "Are kisi ko voiceover chahiye?" So I've seen a lot of videos ki, you know, to get a free voiceover done. So AI mein ye type karo, this and that. तो AI की भी आपको ऐप खरीदनी पड़ेगी, बाय द वे, जो फ्री में वॉइस ओवर कराने का सोच रहे हैं. तो AI की भी आई डोंट थिंक ऐसे फ्री टू यूज एप्स हैं.
कुछ है, कुछ 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 ऐसे स्पेसिफिक ऐप्स हैं, बाकी तो ऑफ कोर्स आपको क्वालिटी और मतलब चाहिए, आउटपुट की क्वांटिटी ज्यादा होती तो आपको उसका प्रीमियम ही लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली द एक्चुअल अगर आपको यूज करना है फॉर अ लॉन्ग टर्म गुड क्वालिटी. सो देयर वाज दिस वॉइस आर्टिस्ट, ऐसे मैंने उसकी रील देखी थी दैट पीपल, ही वाज अ फॉरेन कंट्री वॉइस आर्टिस्ट, ही इज नॉट हियर, दिल्ली में नहीं था आई गेस, आई डोंट नो यूएस के थे या कुछ थे, कैनेडा के थे या आई डोंट नो समवेयर लाइक दैट. सो ब्रिटिश इंग्लिश बोल रहे थे बिकॉज ऑफ हिज एक्सेंट नॉट. सो ही सेड दैट उनको जो ऑफर्स आते हैं, जैसे उनको जो काम आता है स्पेसिफिकली आता है कि आपने किसी AI के लिए काम तो नहीं किया, बिकॉज देन योर वॉइस इज ऑलरेडी फिल्टर्ड एंड यू नो योर वॉइस इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड देयर, सो वी यस, डोंट वॉन्ट टू यूज दैट वॉइस, बिकॉज क्योंकि जो भी यहाँ इंडिया में आता है उससे पहले वो वहां आ चुका होता है वेस्टर्न कंट्रीज में, राइट, है ना. तो आई हैव सीन दिस ऑल्सो कि ये भी होता है, तो आई लाइक हाँ चलो ठीक है, तो मतलब कितना भी AI नहीं आया है बट आई एम श्योर राइटिंग के लिए जो कॉपी राइटर्स होते हैं, मे बी जो टीवी पे लिखते हैं वो यूज करते होंगे. हाँ मतलब आइडियाज तो मिलते हैं नो डाउट, मतलब क्योंकि मैंने जो ट्राई किया था उसमें तो पता नहीं कहानी लिख के दे रहा है, कुछ लिख के दे रहा है, ऑफ कोर्स वो तो वो डेटा इकट्ठा किया ये कर दिया, बट एक वो जो ह्यूमन क्रिएटिविटी इंटरवेंशन में एक अलग ही चीज हो गई। एंड ऑफ कोर्स आप तो इसके साथ में राइटिंग के अलावा ऑल्सो डू द ट्रांसलेशन पार्ट भी हो गया, आप कहानी लिख रहे हो उसका एक वर्जन लिख रहे हो तो उसमें काफी चीजें आ जाती है, एंड द काइंड ऑफ लैंग्वेज इसको मास समझ पाए, जैसे आपने एग्जाम्पल लिया था जापनीज जो सीरीज होती है उनके लिए जोक्स अलग हो सकते हैं बट हमारी ऑडियंस के लिए वो अलग चीज है। यू कांट ट्रांसलेट, तभी तो लोग कहते हैं कि जो साउथ इंडियन मूवीज होती हैं जब हिंदी में डब होती हैं तो वो बहुत ज्यादा फनी साउंड करती हैं, यस क्योंकि आई थिंक वही सेम चीज जो वो साउथ में कह रहे हैं हमें, वो साउथ वाले लोग शायद वो सुनते होंगे तो उनको इक्वली उतना फनी साउंड करता होगा, उसको इंडियन हिंदी अडेप्टेशन देके हमें उतना जस्टिस करना होता है ना कि इट शुड साउंड इक्वली फनी. एंड यस ऑल द मोर यू कांट एक्सपेक्ट द साउथ इंडियन फेस टू स्पीक हिंदी, या फिर कभी कभार तो हम कैरेक्टर्स भी दे देते हैं ना साउथ इंडियन मूवीज में, देन यस दिस पर्सन इज अ गुजराती और अ पंजाबी, यू नो, टू एसोसिएट दैट फेस विद दैट वॉइस एंड दैट डायलेक्ट, तो वो ही अपने आप में फनी हो जाता है. सो आई थिंक राइटिंग इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ वॉइस आर्टिस्ट जॉब, इट बिकम्स दैट यू नो इम्प्रोवाइजेशन ऑन द स्पॉट थिंकिंग, उससे आपका काम और आसान हो जाता है, क्रिएटिविटी वो डिपेंड करता थोड़ी है, बढ़ती है. नहीं वो डिपेंड करता है, जैसे जैसे इन योर केस आप खुद लिखते हो मतलब उस चीज के बारे में, बट काफी जगह वॉइस ओवर आते होता है कि सीधा साधा स्क्रिप्ट मिलती है और वो पढ़ के देनी होती है कहीं, वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट राइट मैं तो वो सांड टाइप पर्सनालिटी वाली, मुझे हर जगह घुसना पसंद है कि मेरे को ऐसे में यू नो इफ आई एम सेइंग अ डायलॉग जो मैंने खुद लिखा है, मुझे मुझे पता है मैं उसे ज्यादा दिल से बोलूंगी. दिल से बोलोगे। समने आई लाइक टू डू एक्स्ट्रा जॉब्स देन आई एम पेड फॉर. नाइस नाइस, या सो फाइनली शिनचैन को कैसा लगा वॉइस ओवर पर चर्चा में? अच्छा लगा. अभी तो बस सोच के ही, मतलब इतना कंटिन्यूअसली मैं अभी आई कैन ब्रेथलेस बातें अंडरस्टैंड, कर आई रहे हैं कैन, मेरे को लग रहा है, तो बस तो एक छोटा सा वो कि कैसा लगा शिनचैन को बस, अच्छा यू वांट मी टू डू द शिनचैन वॉइस, या मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे, सीधा सीधा बोलो ना सीधा ही बोल रहा था। शिनचैन को कैसा लगा. इट्स लाइक एक्चुअली इट डजंट फील लाइक यू आर टॉकिंग टू समवन एल्स व्हेन यू आर डिनोटिंग मी एज शिनचैन, पता है. हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शिनचान ही बन गए हो, वैसे और बोल रहा Actually, people have literally saved my number like that, ना? था। Cancer, अच्छा Shinchan. Shinchan का number, हाँ, और कुछ नहीं है, ही होता है. तो okay. अरे दोस्तों, मेरा नाम है शिनचैन नहरल और मुझे बहुत मजा आया और अब मैं इसके बारे में अपने दोस्तों को बताऊंगा, वो एकदम जल भुन जाएंगे और मैं उनके ऊपर मुट्ठा सेक लूंगा. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, सो कांक्षा इट वॉज ग्रेट टू हैव यू ऑन दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अबाउट योर जर्नी, अबाउट नॉट जस्ट यू नो योर जर्नी, देख जैसे होता है रिजेक्शन हो गया, फिर आपकी जो आपने कैसे एंड स्पेशली दिस रोल ऑफ शिनचैन, आपने इसके जरिए कितने सारी यू नो वॉइस मॉड्यूलेशन सीखी और काफी कुछ आपके बारे में जानने को मिला, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर शो एंड थैंक विश यू ऑल द यू. बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर, यू नो वट एवर प्लान यू हैव, आपका जो कॉमिक शो है, कॉमेडी शो है आपका, जो भी आपने प्लान किया हुआ है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, सेम टू यू. थैंक यू सो मच, बाय।